जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या क्रिश्चियन धर्म सबसे बड़ा है या फिर इस्लाम धर्म सबसे बड़ा है या फिर सबसे पुराना जो धर्म है सनातन शाश्वत धर्म जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं वो सबसे बड़ा है या फिर बौद्ध धर्म सबसे बड़ा है या फिर जैन धर्म सबसे बड़ा है। दोस्तों, अगर मैं सारे धर्मों के नाम अगर इस वीडियो में लेने लगा तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हमारी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, 300 से भी अधिक धर्म हमारी दुनिया में प्रचलित हैं, जिसमें से कितने सारे धर्मों का तो हमें नाम ही नहीं पता, लेकिन कुछ धर्मों का नाम हमें पता है जो मुख्य मुख्य धर्म हैं, जिनकी आबादी आज बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आता है क्रिश्चियन धर्म, जिसकी आबादी काफ़ी है। उसके बाद आता है इस्लाम धर्म, उसकी आबादी भी काफ़ी है। उसके बाद आता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे सबसे पुराना बताया जाता है। फिर आता है बौद्ध धर्म और आता है जैन धर्म। ये 5-6 जो भी हैं मोटे मोटे कुछ धर्म हैं जिन्हें आज के दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि इतने सारे धर्म इस दुनिया में हैं, क्या इन सब धर्मों का कहने का मतलब जो है वो कुछ अलग अलग है या फिर इन सारे धर्मों का कहने का मतलब जो है वो एक ही बात है? क्या ईश्वर हर धर्म से अलग है या फिर इन सब धर्मों का एक ही ईश्वर है? क्या ये सारे धर्म जो है इनकी पूजा की विधि अलग अलग है या फिर इन सारे धर्मों की पूजा की विधि सेम है? आज के वीडियो में हम सारे धर्मों के धर्मशास्त्रों से इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ईश्वर कौन है सभी धर्मों के अनुसार, और क्या ये सारे धर्म अलग अलग हैं या फिर ये सारे धर्म एक ही धर्म के पर्यायवाची हैं जिसका नाम है इंसानियत। आज इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समानताओं के बारे में बात करेंगे। जो मुख्य मुख्य धर्म हैं उनमें क्या समानताएं हैं? जैसे अगर देख लिया जाए तो क्रिश्चियन धर्म में बोला जाता है कि भगवान ने जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले एक आदमी बनाया और एक औरत बनाई। आदमी का नाम एडम था और औरत का नाम ईव था। सेम ऐसी ही कहानी सनातन धर्म में भी बोली जाती है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले एक आदमी बनाया, फिर एक औरत बनाई। आदमी का नाम मनु था और औरत का नाम सतरूपा था। सेम वही कहानी है, बस नाम का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है। फिर आ जाते हैं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में भी ये बोला जाता है कि खुदा ने सबसे पहले एक इंसान बनाया और एक औरत बनाई। उस आदमी यानी इंसान का नाम था आदम और औरत का नाम था हव्वा। अगर आप देखें इन तीनों में एक बात कॉमन है कि भाई खुदा ने सबसे पहले एक इंसान बनाया, बस भाषा का फर्क है। तो इनमें ये बात तो कॉमन हो गई। बाकी सारे ही धर्म जो है वो शांति का रास्ता बताते हैं कि हमें शांति से जीवन जीना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ये बात भी सभी धर्मों में लिखी और ये भी कॉमन है। दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन सारे धर्मों में लिखी और कॉमन है, लेकिन अगर हम इस वीडियो में उसमें सब में बात करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में हमें इस वीडियो को निपटाना है। ये तो हो गई समानताओं की बात। अब हम बात करते हैं कि इन सारे धर्मों में जिसे भगवान बताया गया है, ईश्वर बताया गया है, आखिर वो है कौन? ये तो काफ़ी लोग जानते हैं कि सारे धर्म जो है वो एक ही मैसेज देते हैं और गॉड जो है वो वन है, ईश्वर एक ही है। बहुत से समझदार लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आखिर वो ईश्वर है कौन जिसका इन सारे धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है। सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों में, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो इस्लाम धर्म की कुरान हो, चाहे वो भगवद गीता हो सनातन धर्म की, या फिर बौद्ध धर्म की किताब हो, या फिर जैन धर्म की किताब हो, किसी भी धर्म की किताब हो, इन सब में आखिर ईश्वर बताया किसको गया है? क्या ईश्वर का कोई आकार है या कोई एक निराकार शक्ति ईश्वर है? आज हम धर्मशास्त्रों पर इस पे बात करने वाले हैं। सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों से मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देंगे और सभी धर्मों का सम्मान करना शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि आखिर ईश्वर है कौन। सबसे पहले हम बात करते हैं सनातन धर्म से। दोस्तों, सनातन धर्म में बताया गया है कि ईश्वर जो है वो साउंड है, इसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। ये आवाज जो है यही परमात्मा है। ये आवाज जो है ये है शिव रूप यानी मेल रूप, और इसी का एक दूसरा भाग है ज्योति, यानी इस दुनिया की रचना जो हुई है ये शब्द और ज्योति से हुई है, यानी साउंड और लाइट से हुई है।
इसी को धर्मशास्त्रों में सनातन धर्म के सारी बातें क्लियर की गई हैं। सनातन धर्म में हर एक किताब में यही बताया गया है कि यही ईश्वर है। मेल जो है वो शब्द है और फीमेल जो है वो लाइट है। शब्द और ज्योति से ही पूरी दुनिया की रचना हुई है। अब हम सनातन धर्म से देख लेते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ ये बात सही है या मैं ऐसे ही फड़ मार रहा हूँ। तो हम सनातन धर्म के ग्रंथों से देखते हैं कि क्या वाकई में साउंड ऑफ साइलेंस जो हमारे अंदर आवाज बज रही है, जिसे हम इन कानों से नहीं सुन सकते, इसे अंदर के कानों से सुना जाता है, हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती, ये आवाज हम सब के अंदर बज रही है, ये सभी के अंदर है, तभी जितने भी महापुरुष आए सब बोल के गए हम सब के अंदर भगवान है। तो अब हम देखते हैं क्या वाकई में शब्द और ज्योति जो है यही परमात्मा है। हम सबसे पहले सनातन धर्म की किताब से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सनातन धर्म में 18 पुराण हैं और कई उप पुराण हैं। पुराणों को वेदों के ज्ञान का ही विस्तार कहा गया है और वेद का भी जो निचोड़ है वो उपनिषद है। आज हम सब चीजों से बात करेंगे, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो भगवत गीता हो, मैं सबसे आपको दिखाऊंगा कि ईश्वर जो है वो साउंड है और लाइट है, यही ईश्वर है। पहले मैं आपको सनातन धर्म से दिखाऊंगा, बाद में मैं सारे धर्मों से आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आप प्लीज बने रहिए वीडियो। तो वेद का भी निचोड़ उपनिषद है और वेदों में ब्रह्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदों में बताया गया है कि परमात्मा को जानना यानी ब्रह्म को जानना, ब्रह्म विद्या को ही हमारे जीवन का लक्ष्य माना गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसका आप प्रूफ शुरू कर देते हैं। प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता सार संदेश पेज नंबर 264 पे लिखा है। ये पेज आपकी स्क्रीन पर भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है इसकी पूरी पीडीएफ का, जो चाहे वो देख सकते हैं। तो ये पेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है, वह दिव्य शब्द या ध्वनि द्वारा संसार से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति कर ले, यानी इसमें दिया गया है, इसलिए साधक के लिए यह स्वाभाविक है कि वह दिव्य शब्द और ध्वनि द्वारा संसार से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति कर ले। आज जो ये धर्म के नाम पर लड़ाइयां चल रही हैं, इन सबसे ऊपर उठकर शब्द और ध्वनि, शब्द या ध्वनि द्वारा संसार को लांग जाए, ये सनातन धर्म का ये पेज कह रहा है। आगे कह रहा है, अनादि शब्द या दिव्य ध्वनि बाहरी कानों द्वारा सुना जाने वाला, मुख से बोले जाने वाला या लिखने पढ़ने में प्रयोग किए जाने वाला शब्द नहीं है। इसे बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता, ना ही इसे देखा जा सकता है, ना ही इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। सारे ही धर्म शास्त्रों में बताया गया है जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं है। तो आवाज का कोई आकार नहीं होता है, प्रकाश का कोई आकार नहीं होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, अनेक ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें हैं परंतु उन्होंने शब्द को देखा नहीं, यानी जिनकी आंखें हैं लेकिन उन्होंने शब्द यानी परमात्मा को देखा नहीं। अनेक ऐसे लोग हैं जिनके कान हैं परंतु उन्होंने शब्द को सुना नहीं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जिनको ये शब्द प्रकट हुआ, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस शब्द का, इस परमात्मा का अनुभव किया है। आगे कह रहे हैं, आरंभ में सृष्टि का कर्ता परमात्मा ही था, ये ऋग्वेद की बात चल रही है, आरंभ में सृष्टि का कर्ता परमात्मा ही था, परमात्मा सचमुच अकेला ही था, उसके साथ दूसरा केवल वाक था। कह रहे परमात्मा सचमुच अकेला था लेकिन उसके साथ वाक था। वाक कहते हैं साउंड को यानी आवाज को यानी शब्द को, वास्तव में शब्द ही परमात्मा था, ये आपका सनातन धर्म में बोला है। इसी की सेम लाइन बाइबल में दी है, बाइबल में दिया है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड, सबसे शुरू में शब्द था, शब्द भगवान के साथ था और शब्द ही भगवान था। ये सेम परमात्मा भी इसमें बताया गया है दोनों धर्म शास्त्रों में। आगे मैं बाइबल की लाइन भी आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिए, पहले सनातन धर्म से देख लेते हैं। निश्चय ही, आगे कह रहे हैं, निश्चय ही वाक शब्द अजन्मा है, ये अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, तभी परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा का भी जन्म नहीं हुआ। संपूर्ण सृष्टि की रचना सृष्टा ने सृष्टि की रचना शब्द के द्वारा ही है। ब्रह्म धारणाएं
उपनिषद में कहा गया है वाक ही ब्रह्म है। इस उपनिषद में बोला गया है कि वाक यानी शब्द यानी साउंड ही ब्रह्म है। और जो लोग कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस कुछ नहीं है, उन सब के लिए करारा जवाब है। आगे वाक्य दिए में कहा गया है जिस ब्रह्मा का ना आदि है ना अंत है, जिसका अविनाशी तत्व है शब्द, यानी जो परमात्मा जन्मा है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो और कुछ नहीं है, वो ध्वनि है जो ब्रह्मांड में भी है और हमारे अंदर भी है, ये हर जगह व्याप्त है। आगे देख लेते हैं, श्रीमद् भागवत गीता सार संदेश पेज नंबर 265 पे दिया है, वह सभी प्रकाशों का प्रकाश है, मुंडोक उपनिषद, कठोप उपनिषद और श्वेताश्वतरोप उपनिषद में भी कहा गया है कि वहाँ ना सूर्य चमकता है, ना चांद, ना तारे, वहाँ ना बिजली चमकती है, ना अग्नि के लिए कोई स्थान है, प्रत्येक वस्तु उस एक चमकीले प्रकाश द्वारा चमकती है, उसकी चमक से पूरे जगत में उजाला हो रहा है, यानी वही है जो सारे जगत में उजाला हो रहा कर रहा है। इसका रामचरितमानस में भी दिया है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कोई दिया और बत्ती, वो परम प्रकाश तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रहा है, उसके लिए कोई दिया और बत्ती नहीं चाहिए। राम 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 जी भी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, सुनो तात अकथ कहानी, समझत जाए न जाए बखानी, हे तात इस अकथ कहानी को सुनो, यानी जो बिना बोले सुनी जाती है, बिना बोले ये इसकी आवाज आ रही है, इसको सुनो, ये सबके अंदर बज रही है। आगे कह रहे हैं मैत्राय यूपो उपनिषद में कहा गया है, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मेरी थोड़ी हिंदी वीक है, जिसका रूप है वह मिथ्या है, यानी जो तुम्हें दिख रहा है वो सब मिथ्या है, जो अरूप है वही सत्य है, जिसका कोई रूप नहीं है वो सत्य है, यानी कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं, वाकई में भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, वह ब्रह्मा है, वह प्रकाश है, वह ब्रह्म है और वही प्रकाश है, वही ब्रह्म है और वही प्रकाश है। तो यानी ईश्वर जो है वो निराकार शक्ति है, साउंड है, जिसका कोई आकार नहीं है, और ईश्वर जब इंसान को ज्ञान देने आते हैं तब परमात्मा निराकार से साकार रूप में आता है, जिसे हम अवतार कहते हैं। तो जितने भी पीछे महापुरुष हुए ये सब अवतार थे, यानी भगवान के संदेश वाहक थे, भगवान नहीं थे। ब्रह्म का प्रकाश ही आत्मा के रूप में जीव के भीतर चमक रहा है, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, जो प्रकाश इस स्वर्ग से ऊपर है, सबसे ऊपर चमक रहा है, जो परम ज्योति विश्व के पृष्ठ पर, यानी सबसे ऊपर, जिनसे ऊपर कोई दूसरा लोक नहीं है, ऐसे सर्वोच्च लोक में प्रकाशित हो रही है। समझ रहे हैं आप, ये सब उपनिषदों से, भगवद गीता से मैं आपको बता रहा हूँ, सनातन धर्म के लोग बहुत गौर से सुन लें। प्रकाश और ध्वनि को परमात्मा की दो विशेष अभिव्यक्तियों के रूप में स्वीकार किया गया है। स्क्रीन पर सब आपके पेजेस चलते जा रहे हैं जो मैं बोलता जा रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा है, आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी सनातन धर्म की बहुत सारी किताबों में इतना वर्णन दिया है इसका कि अगर मैं इसमें बोलने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे दो दो तीन तीन प्रमाण हर धर्म के लेने हैं, ताकि मैं शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में आपको समझा सकूं कि धर्म के नाम पर मत लड़ो, ईश्वर सारे ही धर्म ग्रंथों में एक ही बोला गया है और वो ईश्वर हम सबके अंदर है। आप देख लेते हैं हम क्रिश्चियन धर्म से, देखिए क्रिश्चियन धर्म में अभी मैंने आपको बताया, सनातन धर्म में बोला गया था ऋग्वेद में कि आदि में परमात्मा था और परमात्मा अकेला था और परमात्मा के साथ शब्द था, तो इसमें भी बाइबल में भी बोला गया है, जॉन 1:1 में बोला गया है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड, यानी सबसे शुरू में शब्द था, शब्द भगवान के साथ था और शब्द ही भगवान था। अभी आपने देखा होगा साइंटिस्टों ने खोज करी तो ब्रह्मांड में आज भी एक आवाज बज रही है, सारी रचना शब्द और ज्योति से ही हुई है, आवाज और प्रकाश के बिना इस दुनिया की रचना नहीं हो सकती, आप खुद भी देख सकते हैं। द सेम वॉज द बिगिनिंग विद गॉड ऑल थिंग्स वर मेड बाय हिम, कह रहे सारी सृष्टि की रचना उसी के द्वारा हुई है, विदाउट हिम वॉज मेड नथिंग दैट वॉज मेड, उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। अब आगे हम देख लेते हैं सिख धर्म में, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 634 पर दिया है, पेज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बाइबल का भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें पेज नंबर 634 पर दिया है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब सो लिव लाभ की, कह रहे अंतर में जिसके ज्योत जल रही है और निरंतर वाणी चल रही है उसकी सच्चे परमात्मा से लौ लगी हुई है, इसी को गुरुवाणी भी बोला गया, अनेक नामों से इसको पुकारा गया है,
इसी को सनातन धर्म में नाद भी बोला गया है, गीता में इसे तत्व बोला गया है, अनेकों नाम से इसे पुकारा गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब कह रहा है अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब सो लिव लागी, कह रहे अंतर ज्योत निरंतर वाणी, ऐसे ही बाइबल में बोला है डिवाइन लाइट एंड वर्ल्ड, समझ रहे हैं। ऐसे ही आपके सनातन धर्म में भी इसे अनेक नामों से पुकारा गया है और कुरान शरीफ में इसको कुन फ्यू कुन बोला गया है, रूहानी आवाजें बोला गया है, आवाजें गैप बोला गया है। सिर्फ भाषा का फर्क है, धर्म कोई भी गलत बात नहीं बताता या अलग बात नहीं बताता। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म उत्पत्ति और विकास पेज नंबर 318 किताब है, बौद्ध धर्म उत्पत्ति एंड और विकास पेज नंबर 318 इस पे दिया है, आपके साथ पेज है, शेयर कर रहा हूं। आंतरिक ध्वनि सुनने या अनुभव करने के लिए हमें स्थूल कानों की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म भी कह रहा है कि अंदर में जो हमारी ध्वनि हो रही है उसको सुनने के लिए हमें बाहर के कानों की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं कान के अंदर अनेक आवाजों का गुंजन हो रहा है परंतु उनका मूल स्रोत वह है जिसे निशब्द या शब्द कहा जाता है। आगे कह रहे हैं ये पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए। नेक्स्ट पेज है बौद्ध धर्म उत्पत्ति और विकास पेज नंबर 321 पेज आपके साथ ये है, शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए। इसमें बोला है असंख्य सत्कर्मों द्वारा मैंने अपने आप को भ्रमों से मुक्त कर लिया है, यानी कि परंतु एक मिनट, इसमें कह रहे हैं भगवान बुद्ध के बारे में ही ये बात चल रही शायद, परंतु आंतरिक अभ्यास समाधि का सही तरीका अपनाने के बाद ही उनका प्रज्ञा चक्षु खुला और उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। महात्मा बुद्ध की बात चल रही है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस अनुभव के बाद वे मार्ग पर दृढ़ बने रहे, जब उन्हें अंदर में अपने दर्शन हुए तो उसके बाद वो अपने मार्ग पर दृढ़ बने रहे, ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। असंख्य सत्कर्मों द्वारा आगे कह रहे हैं मैंने अपने आप को भ्रमों से मुक्त कर लिया है और अनेक प्रकार के प्रकाश का अनुभव किया है। सभी प्रकार के सद्गुणों के अभ्यास द्वारा मैं दृढ़ता पूर्वक बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करता हूं। संबोधि के समय महात्मा बुद्ध को जो अनुभूति हुई उसके विषय में एक ब्राह्मण को बताते हुए वे प्रकाश के अनुभव का इस प्रकार वर्णन करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं हे ब्राह्मण, रात्रि के अंतिम पहर में मुझे तीसरा सच्चा ज्ञान हुआ, अज्ञानता का नाश हो गया, प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, अंधकार दूर हो गया और प्रकाश का उदय हुआ। ये अंदर में प्रकाश होता है। शब्द जो है वो शिव रूप है और ज्योति जो है वो पार्वती रूप है। आगे कह रहे हैं आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और इसी समय भगवान की भौं के बीचों बीच मध्य बिंदु से प्रकाश की एक किरण उठी। कह रहे हैं इसी समय भगवान की भौं के बीचों बीच, यानी भगवान की भौं के बीचों बीच, यहां पे ध्यान लगाया जाता है जिस आवाज को सुना जाता है, तो मध्य बिंदु से प्रकाश की एक किरण उठी जो 18 करोड़ बुद्ध क्षेत्रों तक फैल गई, जिसके तेज से वे सभी बुद्ध क्षेत्र पूरी तरह प्रकाशमान हो गए। बौद्ध धर्म भी यही बात कह रहा है। आगे देख लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म सार संदेश पेज नंबर 240 किताब का नाम है, जैन धर्म सार संदेश पेज नंबर 240 पेज आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। पेज में जो बोल रहा हूं वो स्क्रीन पर आता जाएगा, अगर मैं बोलना भी भूल जाऊं तो प्लीज आप देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसको भी देखना है वो देख सकता है। कह रहे हैं जैन धर्म सार संदेश पेज नंबर 240 पे कह रहे हैं प्रकाश के आनंद में मग्न होकर मन आनंद में शब्द ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जैन धर्म सार संदेश पेज नंबर 240 पे कह रहे हैं प्रकाश के आनंद में मग्न होकर आनंद में शब्द ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, जैसा कि नाद बिंदु उपनिषद का स्पष्ट कथन है। नाद बिंदु उपनिषद के कथन की बात कर रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप प्रणव में संलग्न नाद ज्योति स्वरूप होता है, इसको नाद बोला गया है कई जगह पर सनातन धर्म। उसके मन लय को प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं दिव्य ध्वनि द्वारा निकलने वाली आवाज आंतरिक आवाज है जो बाहरी या भौतिक मुख से प्रकट नहीं की जा सकती। इसमें भी यही कह रहे हैं
दिव्य ध्वनि द्वारा निकलने वाली आवाज आंतरिक आवाज है, हमारे अंदर बज रही है, इसे बाहरी कानों से या मुख से नहीं बोला जा सकता, ना ही सुना जा सकता है। प्रसिद्ध ग्रंथ कसाय पाउडू में स्पष्ट कहा गया है, जिस समय दिव्य ध्वनि खिरती है उस समय भगवान का मुख बंद रहता है। हरिवंश पुराण में दिव्य ध्वनि को तालु, दंत, ओष्ठ और कंठ के हलन चलन रूप व्यापार से रहित होकर एक ही समय में भव्य जनों को आनंद देने वाला बताया गया है। पर दिव्य ध्वनि सभी इच्छाओं से परे तीर्थकरों के अंदर से बिना किसी प्रयत्न अनायास जीवों के कल्याण के लिए सहज भाव से प्रकट होती है, कि इसके लिए कोई आपको कठिन परिश्रम नहीं करना है, ये सबके अंदर बज रही है, आप अभी भी इसका अनुभव कर सकते हैं। कान बंद करिए, आपके अंदर एक झींगुर सी आवाज बज रही है, यही परमात्मा है और इसी को आपको सुनना है। अमृत अमृतना दोप निषद में कहा गया है कि प्रणव या ओमकार ध्वनि के विषय में कही गई है, प्रणव या ओमकार की दिव्य ध्वनि के संबंध में अमृतनाय उपनिषद की यह उक्ति है, यानी इस उपनिषद में भी इसका नाम दिया गया है, इसी के बारे में बात की गई है। अब आ जाते हैं हम इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के गरीब नवाज पेज नंबर 127, ये इस किताब की बात है। इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह अल अजीम ही इज्मे आजम है, जो रूह की रूह है और मुर्दा हड्डी को जिंदा करती है। आगे फरमाते हैं, इज्मे आजम ही मेरा सच्चा दोस्त है, यानी इज्मे आजम को नाम बोला गया है, इसे सनातन धर्म में नाम भी बोला गया है। खुदा से नजदीकी हासिल करने का सही तरीका है, यही खुदा से नजदीकी हासिल करने का सही तरीका है। उधर गुरु ग्रंथ साहिब में भी बोला था, अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब सो लिव लागी, कि जिसके अंतर में ज्योत जल रही निरंतर वाणी चल रही है उसी की सच्चे परमात्मा से लौ लगी हुई है। आगे कह रहे हैं, आगे परमात्मा इसमें आजमी मेरा सच्चा दोस्त है, खुदा से नजदीकी हासिल करने का सही तरीका यही है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अजमेर वाले। मौलाना रूम कहते हैं कि लफ्जी कलाम को छोड़कर कलाम से नंगा हो और फिर बिला लफ्ज के कलाम को हासिल कर। कह रहे हैं ये जो लफ्जी कलाम हम बोल रहे हैं, मुंह से बोलने वाला कोई कलमा नहीं होता, असली कलमा जो होता है वो सुना जाता है, कोई लफ्ज मंत्र नहीं कलमा। कलमे की कमाई कर देखो, खुदा खुद बोले बंदे सुनकर देखें। आगे कह रहे हैं, जे जवानी हर कोई पढ़दा दिल दा कलमा कोई हु। कह रहे हैं जवानी कलमा हर कोई पढ़ता है, लेकिन दिल का कलमा कोई बिरला पढ़ता है। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए मिले जवाना ढोई हु। आगे कह रहे हैं, आशिक पढ़न नवाज पिरम दी जिस विच हरफ ना कोई, जीव ना हिले होठ ना फड़कन खास नवाजी सोई। कह रहे हैं आशिक पढ़े नवाज प्रेम की जिस विच हरफ ना कोई, वो नवाज पढ़ो जिसमें कोई शब्द नहीं है, उसे मुंह से नहीं बोला जाता, हाथ ना हिले होठ ना हिले पाक नवाजी सोई। ये कह रहे हैं कि ना ही इसमें हाथ हिलते हैं ना ही होठ हिलते हैं, वही खास नवाजी है। आज तो सब हाथ होठ हिलाकर नवाज पढ़ रहे हैं। कर दे वजू इज्म आजमदा दरिया बेहदत निहाते हु। कह रहे हैं जुबा से कलमा तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन दिल का कलमा कोई बिरला ही पढ़ता है। वो बिरले आशिक ही हैं जो इश्क की नमाज पढ़ते हैं, जिसमें लफ्जों का कोई काम नहीं। कह रहे हैं ये बिरले आशिक होते हैं जो इश्क की नमाज पढ़ते हैं, इसमें लफ्जों का कोई काम नहीं मेरे भाई। वे वहदत के समंदर में कलमे से वजू करके मन की मैल को धोकर अपने आप को पाक कर लेते हैं। कह रहे हैं वो इसमें अंदर चढ़ाई कर अपने मन को धो लेते हैं, ये बाहर पानी डालने से अपने शरीर को साफ करने से कोई पाक नहीं हो जाता। तभी कबीर साहब भी बोल गए थे, मल मल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, गंगा नहाए गोमती नहाए रहे बैल के बैल। आगे कह रहे हैं, मीन नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। ये बाहरी कपड़ों को धोकर शरीर को धोकर परमात्मा नहीं मिलने वाला, अंदर की मैल को साफ कर इस ध्वनि को सुनने का नाम ही परमात्मा से मिलन है। सच्चा सनातनी, सच्चा ईसाई, सच्चा मुस्लिम, सच्चा सिख वही है जो इस ध्वनि को सुनता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्मशास्त्र कह रहे हैं, वही ईश्वर है। आगे देख लेते हैं, हजरत सुल्तान बाहू पेज नंबर 110 कह रहे हैं, पेज आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करता जा रहा हूं, देखते रहिएगा, जब मैं बोल रहा हूं तो पेज खुद ही आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप शब्द या कलमा नाम ही है। इसको कुरान में कलमा बोला गया है, कुन बोला गया है, और हमारे यहाँ इसको नाम बोला जाता है सनातन धर्म में, और बाइबल में इसको वर्ड बोला जाता है, और गुरु ग्रंथ साहिब में इसको अंतर ज्योत निरंतर वाणी बोला जाता है।
कह रहे यही सब धर्मों का सार है। हजरत बाहू यह फरमाते हैं कि जब मैंने रब्बी कलमे शब्द का भेद पाया, रब्बी कलमा यानी शब्द आवाज का भेद पाया, तब मैं सही अर्थ में इस्लाम का अनुयायी बन गया। जब मैंने वो शब्द का भेद पाया तभी मैं असली मुस्लिम बना, यानी असली इस्लाम मैंने तब कबूल किया। आज कोई भी धर्म बदल देता है, ऐसे थोड़ा ना बदल। सच्चा मुसलमान वो है जो इस कलमे यानी नाम यानी इसे नाद को सुनता है। उनका भाव यह है कि उस रब्बी कलमे का रूहानी अभ्यास ही इस्लाम की असल तालीम है, यानी उस कलमे को सुनना, उस शब्द को सुनना, उस आवाज को सुनना ही इस्लाम की असली तालीम है और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ में कलमा, कुन, कौल, शब्द और अम्र का अर्थ एक ही है। इन सब बातों का कुरान शरीफ में जो दी हैं ये एक ही अर्थ है। सूरा अल अनआम में जहां परमात्मा के सृष्टि पैदा करने वाले शब्द कुन का वर्णन किया है, कुरान में बोला गया है कि परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना करी उसे कुन बोला गया है। वो आपने गाना भी सुना होगा, कुन फाया कुन फाया कुन फाया, जब कहीं पे कुछ नहीं था यही था यही था, वो जो तुझ में समाया वो जो मुझ में समाया। रॉकस्टार मूवी का गाना है रणबीर कपूर की। कह रहे हैं जहां परमात्मा के सृष्टि पैदा करने वाले शब्द कुन का वर्णन किया गया है, वहां साथ ही यह भी कहा गया है उसका शब्द कौल, इसे कौल भी कहा गया है, सच है। इसी प्रकार सूरा अल हज में लिखा है अल्लाह सच है, बेशक परम सत्य एक है, सत्य जो परमात्मा या उसका शब्द है। कह रहे सत्य जो है वो परमात्मा का शब्द है, हर काल में हर समय समान रहने वाला वाली सत्ता है, वो हमेशा एक सा रहता है। आपके अंदर जो आवाज बज रही है वो निरंतर बज रही है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर आपने एक बार वो सुन लिया तो निरंतर आपके अंदर बजती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होती, रुकती नहीं है। सूर अल तौबा के अनुसार अल्लाह का कलमा शब्द ही अजीम सर्वश्रेष्ठ है। इन वचनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कलमा, कौल या कुन ही अल्लाह का स्वरूप है, यानी ये साउंड ऑफ साइलेंस जो है अपने अंदर में जो आवाज हो रही यही अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है। मौलाना रूम भी, जिनकी मशहूर रचना मसनवी कुरान शरीफ की रूहानी शिक्षा का सार मानी जाती है, इस कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं अजीम अल्लाह ही इसमें आजम है जो आस्तिक का सार है, अस्तित्व का सार और पुरानी हड्डी को जिंदा करने वाला है। सूफियों का इसमें आजम कलमे शब्द या नाम का ही दूसरा नाम है और सूफी मालिक से मिलाप करने के लिए इसके अभ्यास पर जोर देते हैं, कि सूफी जो लोग जितने भी आए हैं वो मालिक से मिलने के लिए इसके अभ्यास पर जोर देते हैं। कुरान शरीफ में कुन या कलमे का मतलब अल्लाह ताला यानी परम पिता परमात्मा से है, इसलिए कलमे का अभ्यास करके ही उससे मिलाप किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं यह सदा तुलसी की है, तुलसीदास जी भी कहते हैं यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। सॉरी ये मैं नहीं कह सकता है किसका, लेकिन इसमें लिखा है यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरा में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। अल्लाह जो बताया है वो कुन को बताया और कुन यानी आवाज। आगे हजरत सुल्तान बाहू पेज नंबर 111, बहुत प्रमाण है लेकिन वीडियो 30 मिनट का हो गया इसलिए मैं शॉर्ट में लूंगा। अब मोहम्मद साहब फरमाते हैं, पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पेज है हजरत सुल्तान बाहू पेज नंबर 111। मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि खुदा की आवाज़ मेरे अंदर आम आवाज़ की तरह आती है, खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहर लगाई हुई है इसलिए तुम इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। आगे कह रहे हैं मोहम्मद साहब की जीवनी का हवाला देते हुए कहते हैं कि पैगंबर साहब ने फरमाया था कि कई बार उन्हें घंटे जैसी आवाज सुनाई दी थी जिसका उन पर जबरदस्त असर पड़ा था, जैसे महात्मा बुद्ध कह रहे थे, सेम वही बात। कुरान शरीफ में कई जगह पर कलमे का जिक्र किया है, रूहानी आवाजें या इल्हाम आकाशवाणी के रूप में आता है जो अल्लाह की ओर से पैगंबरों पर प्रकट हुआ। इस विषय में कुरान मजीद सूर अल नजम आयत 3-4 में पैगंबर साहब के बारे में फरमाया गया है वह कोई बात अपनी मर्जी से नहीं करते थे, वह तो वही है जो उन पर प्रकट की जाती थी, इन्हें अंदर में भगवान आकर संदेश देते थे जितने भी महापुरुष होते थे। मौलाना रूम ने भी रूहानी मंडलों से आने वाली आवाज़ को, जिसे केवल अंदरूनी कान ही सुन सकते हैं, इस धर्म में भी कह दिया है कि उसे केवल अंदरूनी कान सुन सकते हैं, रब्बी कलाम इलाम इल्हाम या वही कहा गया है।
आप फरमाते हैं कि शंका की रुई कानों से निकाल ताकि तू रूहानी मंडलों से आने वाली आवाज को सुन सके। यह रब्बी इल्हाम है। इस वही का उतारना यानी प्रकट होना क्या है? यह आत्मा के कानों सूरत और आंखों का खुलना है। बाकी हजरत सुल्तान बाबू पेज नंबर 112 पे भी लिखा है दोस्तों, ये पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा, फटाफट शॉर्ट में ले रहा हूँ। कलमे का अभ्यास करना मुर्शिद की खुशी और गवाही हासिल करना है। आपके अनुसार कलमे के अनुभव के बाद नमाज, रोजे आदि बाहरी क्रियाएं बेकार हो जाती हैं। जो इस कलमे को सुनता है उसके लिए बाकी सब चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। अनाद वाजा वज्जे सुहाना मुतरिब सुंगड़ा तान तराना, नमाज रोजा भूल गया दुगाना, मद्य प्याला देन कलालनी। कह रहे कलमे के अनुभव के बाद ही मैं सच्चा मुसलमान बना हूँ, इसलिए पहले तो कुफ्र नास्तिक में जीवन बर्बाद करता रहा। यह नियम केवल इस्लाम पर ही नहीं बल्कि सभी धर्मों पर एक समान लागू होता है। गुरु अर्जुन देव की वाणी भी है, सगल मतांत केवल हरिनाम। कह रहे सारे मतों का एक ही निचोड़ है हरिनाम, और हरिनाम कौन है यह आपको जानना है तो मेरे चैनल पर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 30 तक वीडियो देख लीजिए सर। अपने ध्यान को अंतर में कलमे या शब्द से जोड़ने वाला इंसान ही सच्चा प्रभु भक्त है। कह रहे जो इस आवाज को सुनता है अंदर में वही प्रभु का सच्चा भक्त है, वही सच्चा सनातनी है, वही सच्चा इस्लामी है, वही सच्चा क्रिश्चियन है। तुम किस हिंदू मुस्लिम को लड़ रहे हो भाई, तुम किस बात के कट्टर हो? मौलाना रूम सारी मानव जाति के लिए एक ही धर्म मानते हुए कहते हैं कि खुदा एक ही है, इसलिए धर्म भी एक है जो इंसानियत है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतना ही रहने देते हैं। तो मेरा आप सबसे केवल और केवल यही अनुरोध है कि धर्म के नाम पर ना लड़ें, धर्म को समझें। सच्चा इस्लाम, सच्चा क्रिश्चियन धर्म, सच्चा सनातन धर्म, सच्चा बौद्ध धर्म, सच्चा जैन धर्म यही बताता है कि ईश्वर एक है, वो सब हम सब के अंदर है, उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और धर्म के नाम पर प्लीज़ लड़ना बंद करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो हर हर महादेव।